आपको बता दूं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से, यानी कि अगर आप अपने आपको रेडी करें फॉर द सीयूटी 2025 उसके लिए, एंड द थिंग इज की 2024 वाले बच्चे के लिए भी बिल्कुल डिटेल एनालिसिस होने वाला है कि यार अगर हम बात करें अभी तक जितनी बार भी सीयूटी को कंडक्ट करवाया गया उसके कंपैरिजन में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, सीयूटी किस तरह से आगे बढ़ता हुआ चल रहा है, क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, एंड जैसे कि क्वेश्चंस में किस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये सब कुछ इस सेशन को देखने के बाद आपके माइंड में जो कंफ्यूजन अपकमिंग डेज में या ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी आपके माइंड में आते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाने वाली है। सो चलिए बच्चा डिस्कस करते हैं आज का पेपर कैसा था एंड ये कितना डिफरेंट था एज वी कंपेयरिंग विद 2022 एंड 23 का पेपर कितना डिफरेंट था, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीयूटी 2024 का एग्जाम एनालिसिस एंड इकोनॉमिक्स। सो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ क्या-क्या डिस्कस करने वाला हूं मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं। ओके, सो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चा एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम कि भाई अगर आप अपने आप को रेडी कर रहे हो फॉर द सीयूटी 2025 तो एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एंड द थिंग इज कि आपके साथ-साथ मैं आपको बता दूंगा मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफिकल्टी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2024 versus 2023 आपके लिए समझना कि भाई किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनकर के आ रहे हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले। ओके, अगेन अगर हम बात करेंगे टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन 2024 versus 2023 versus 2024 जो भी देखा गया एग्जामिनेशन में इससे हमें क्या सीखने को मिलता है या इसमें से कौन सी चीजें हमें इनपुट लेकर के अपने एग्जामिनेशन में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो चलिए भाई ये हमारे सेशन का इंडेक्स होने वाला है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहले डिस्कशन यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम पैटर्न मार्किंग स्कीम के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले। तो भाई आप सबको पता है कि यहाँ पर हम अगर डिस्कस करें तो हमने बोला सबसे पहले कि यार आपको टोटल 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि भाई सिंपल सी बात है अगर हम सीयूटी का डिस्कशन करें तो सीयूटी के अंदर बच्चा हम सबको पता है कि टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल हमसे 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना, 50 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ द 50 क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40। हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, यानी हमारे पास 10 क्वेश्चंस को स्किप करने का ऑप्शन होगा। 10 क्वेश्चंस हम क्या कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं कभी भी, इज इट, यानी हमारे पास 50 क्वेश्चंस आएंगे हमारे क्वेश्चन पेपर में बट स्टिल उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें 40 क्वेश्चंस करना है, गॉट इट, ठीक है सर। अब अगर हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन के आपको हर एक सही क्वेश्चन के अगर आपने 40 क्वेश्चन सही किए एंड आपके पूरे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, तो हर क्वेश्चन के आपको कितने मिलेंगे सर, एक क्वेश्चन का अपने को मिलता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 क्वेश्चन के आपको कितने मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं, कितना बच्चा, एक सही क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। इसका मतलब अगर आपने 40 क्वेश्चंस कर दिया तो हर क्वेश्चन के आपको 5 नंबर के हिसाब से टोटल 200 मार्क्स मिल जाएंगे, कितने मिल जाएंगे 200 मार्क्स। अगर सर गलत हो गया तो 40 तो कर दिए बट उसमें से 5 क्वेश्चंस गलत हो गए तो फिर क्या होगा, तो भाई ध्यान से सुन लो, यहां पर मैंने बोला अगर मैंने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड मेरा इवैल्यूएशन होने के बाद पता चलता है मुझे कि 35 मेरे सही है एंड 5 गलत है तो मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा 35 के कितने भाई 4 के हिसाब से 35 × 5 के हिसाब से भाई हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे, तो 5 × 15 and 5 × 35 यानी कि टोटल आप लोगों का हो जाएगा 175, कितना हो जाएगा भाई 175 मार्क्स आ रहा होगा, बट क्योंकि आपने 5 क्वेश्चंस गलत भी कर दिए हैं तो आपको 5 क्वेश्चंस के नेगेटिव 1 यानी आपका -1 कंसिडर किया जाता है अगर हम बात करें नेगेटिव। जब भी आप अपने एग्जामिनेशन में इवैल्यूएशन की बात करोगे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके क्वेश्चंस गलत जाते हैं तो उसका एक नंबर आपका कटेगा, यानी कि टोटल 5 मार्क्स यहां से डिडक्ट होंगे एंड टोटल आपके 170 मार्क्स ही फिर आ पाएंगे, गॉट इट। सो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि भाई ये तो हो गया मार्किंग स्कीम, हमारा सिंपल सा थॉट है अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें 50 क्वेश्चन आएंगे, ये सब कुछ क्लियर हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमें ये पूरा एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे 60 मिनट्स, कितने मिलेंगे भाई
इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए हमें कितने मिलते हैं, 60 मिनट हमें मिलते हैं। एंड जैसा कि मैंने अभी इस साल भी काफी बच्चों से अभी बात की एंड प्रीवियस ईयर भी मैंने काफी बच्चों से बात की थी, तो ऑल दो टाइम बहुत ज्यादा तो अवेलेबल नहीं होता, ये तो हम नहीं बोल सकते कि यार बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है और बहुत टाइम बच जाता है। 60 मिनट्स इनफ होता है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तभी आप इस प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करते हुए आप 60 मिनट के अंदर अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो आगे और डिस्कशन करते हैं भैया, आगे हम बात करेंगे डिफिकल्टी वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिस ईयर वर्सेस लास्ट ईयर, कि यानी कि भाई डिफिकल्ट जो पेपर, मतलब ऑब्वियस है हमें ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम ये समझते हैं कि भाई पीवाईक्यूज लगा ले, हम देख ले कि भाई पीवाईक्यूज मैंने प्रीवियस ईयर में किस किस चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे सेशन में। तो मैं आपको 22, 23, 24 सबका पूरा समराइज यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कंबाइन 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 डिस्कशन इससे रिलेटेड कि डिफिकल्ट पे जो वाले डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो किन किन जगह से कितने कितने देखे जा रहे हैं एंड थिंग्स की टॉपिक वाइज भी बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया पेपर का पैटर्न क्या था, यानी आउट ऑफ द 50 क्वेश्चंस मैंने आपको 50 क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में क्लासिफाइड कर दिया है कि जब 50 क्वेश्चंस थे तो 50 क्वेश्चंस में से अराउंड 35%, 50 क्वेश्चन में से अराउंड 35%, यानी 35% आराम से आप मान लीजिए कि अगर आपने बोला, सिंपल सी बात है, अराउंड 16-17 क्वेश्चंस आप लोग को इजी मिले थे, बहुत ही ज्यादा इजी, मतलब एकदम इजी होता है ना, जो आपने बिल्कुल पढ़े हैं, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आ गया। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे 2020 में जो बहुत ज्यादा इजी थे, है ना, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पढ़ा एंड आंसर मार्क कर दिया क्योंकि वो आपको आता था। ऑल तो ऐसा भी नहीं है, इजी का मतलब कि भाई कॉमन सेंस पे आंसर करेंगे, पढ़ा हुआ आंसर आ रहा है बेटा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें सोचनी नहीं पड़ रही, जो हम लोग बेसिक बेसिक्स पढ़ते हैं वहां से ही आपको क्वेश्चंस बन गए थे 16-17 क्वेश्चंस अगर हम 22 की बात करें। एंड उसी में अगर बच्चा मॉडरेट की बात करें बच्चा, तो पिछले लाइक 2020 में जब पहली बार पेपर हुआ तो मॉडरेट भी काफी था पेपर, जिसका मतलब हो जाता कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन होता है। एंड वो अराउंड कितने थे बच्चा, तो 500, यानी कि अराउंड 20 प्लस क्वेश्चन या 20 अराउंड क्वेश्चन मान लो, 20-22, यानी ऑल दो इजी एंड मॉडरेट दोनों ही सिमिलरली पैटर्न में फॉलो किया था। एंड द थिंग इज डिफिकल्टी, तो डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं यानी कि अगर हम बात करें तो आपने बोला अराउंड 12-13 क्वेश्चंस, 12-13 क्वेश्चंस अराउंड आप ये मान लीजिए डिफिकल्टी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, ये पैटर्न था, ये बैलेंस कहा जाता है इसको, इसको मतलब 2022 का बैलेंस तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट बोलेंगे, थोड़े से मॉडरेट बोलेंगे, बिकॉज मैंने जो डिफिकल्ट में भी यहाँ पर पोर्शन रखा है इसमें थोड़ा बहुत मॉडरेट था, तो ऑल दो मैं इसको बोलूंगा ओवरऑल मेरा जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन था 2020 में, तो पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं था बट मैं एकदम भी इजी नहीं बोलूंगा, तो थोड़ा सा मॉडरेट था। आगे अगर हम बात करें 2023 के, तो थोड़ा सा चेंजेस दिखने मिला, बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं था 2023 में, बैठा पेपर को मॉडरेट टू डिफिकल्ट बनाया गया, पहले क्या था इजी टू मॉडरेट, मैं ऐसे लिख देता हूँ कौन सी कैटेगरी में आ रहा था भाई, इजी टू मॉडरेट, एंड उसके बाद सिंपल सी बात है इन 2023 मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखा गया, मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखा गया, जहां पे क्वेश्चंस जो थे भाई अच्छे खासे लेवल के थे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन। आज मेरी काफी बच्चों से बात हुई, आज भी यानी 2024 में भी बच्चों का यही कहना था कि सर ऑप्शंस जो थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे थे, हमें दो दो ऑप्शंस हर क्वेश्चन के लग रहे थे और हम आंसर मार्क करने में घबरा रहे थे कि यार आंसर क्या मार्क करें। एंड इसी का लाइक इसी तरीके से अगर लास्ट ईयर का भी मैं रिव्यू की बात करूं, तो लास्ट ईयर भी मेरी काफी बच्चों से बात हुई थी, तो उनका भी उस टाइम पर यही कहना था कि सर पेपर इजी तो बिल्कुल भी नहीं था इकोनॉमिक्स से अगर हम बात करें। सो ऑल दो यहाँ पे 30% आपका डिफिकल्टीज एंड मॉडरेट भी 40%, यानी अराउंड 70% तो मान लेते मॉडरेट टू डिफिकल्ट था और इजी वाला पोर्शन थोड़ा सा कम हो गया था, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 2023 में पेपर जो था वो इजी टू सॉरी मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाली कैटेगरी का था। इज इट आगे अगर हम बात करें इस साल की, जो कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पेपर कंप्लीट हुआ है, एंड इस पेपर के कंप्लीट होने के बाद मैंने तुरंत बच्चों से बहुत सारी लाइक बहुत सारे बच्चों से बात की एंड डिस्कस किया कि भाई क्या सीन है, मैंने खुद भी पेपर यहां पर लिया एंड पेपर को स्टडी किया, जिसका मैं डिटेल सॉल्यूशन भी आप लोग को यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं थोड़ी देर बाद, बट स्टिल मैंने आपको बताया यहां पर कि जब मैंने पेपर स्टडी किया एनालाइज किया तो मुझे भी यहां पे पता चल पाया कि भाई जो पेपर था वो इस साल का भी मैं आपको बोलूंगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाली कैटेगरी का था। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हम लोग काफी ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे, इस बार टॉपिक थोड़े बियॉन्ड आए थे, यानी नेशनल इनकम से क्वेश्चंस बहुत कम दिखे, मनी इन बैंकिंग से क्वेश्चंस बहुत अलग टाइप के दिखे, टूल्स वगैरह पे आते हैं वो ऑब्वियस है, बट आई थिंक थोड़े से मुझे लगता है कि जो बेसिक क्वेश्चन थे वो नहीं दिख रहे थे, हम लोग जिनसे क्वेश्चन से फैमिली होते हैं जिन क्वेश्चन को हम बार बार पढ़ते हैं वो सारे क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे, योजनाएं वगैरह नहीं दिख रहे थे, ईयर्स पे ज्यादा क्वेश्चन थे, यानी डेटा अगर हम बात करें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है सपोज इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर, वो डेटा पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, तो ऑल दो ये सारी चीजें आप लोग को बिल्कुल डिटेल में समझनी है कि पेपर इस साल का जब मैंने एनालाइज किया तो मैं आपको
सिंपल सी बात है, कोई कुछ भी बोले मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर थॉट बता दूं कि मैं इस पेपर को मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में ही रखूंगा, इजी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। इजी हो गया इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। तो अगर 2025 के लिए आप अपने आपको रेडी कर रहे हैं, मतलब और भी जो नए स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की बना लो, ताकि आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले पैटर्न वाला पेपर भी ईजी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिस ईयर वर्सेस लास्ट ईयर, किस तरह के क्वेश्चंस थे भाई। तो ऑल दो पिछले साल की कंपैरिजन की अगर हम बात करें, पिछले साल की कंपैरिजन की बात करें भाई, तो ऑल दो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस पहले स्टार्टिंग में बहुत कम थे, एंड अगर हम बात करें 2023 में लगभग लगभग सेम थे, बट आज इस बार डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, जो डेफिनेशन बेस्ड होता है ना, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, यानी इंडियन इकोनॉमिक्स से भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। एंड द थिंग इज की सिंपल से बात की जाए तो जो डायरेक्टली आपने कहीं पढ़ाओ, एक्ट वगैरह पढ़ाओ, एक्ट वगैरह के ईयर वगैरह पढ़े, तो मैंने सबको डेफिनेशन डाल दिया कि अगर मैं एमआरटीपी एक्ट पढ़ रहा हूँ तो एमआरटीपी की डेफिनेशन में ही उसका जो ईयर है वो मेंशन हो जाता है। तो अगर मैंने ईयर वाले डेटा पे इतने ज्यादा क्वेश्चन बोले साल आए, तो इसका मतलब सर वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, इस बार ज्यादा देखने मिले। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े से अगर हम बात करें तो इसका सीन जो है वो सिमिलर चल रहा है, लगभग लगभग सिमिलर चल रहा है, इस बार थोड़े ज्यादा ही देखने मिले जो कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं, जहां पर आपको एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि कोई चीज आपने अगर बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ी है तभी आप इसको क्रैक कर सकते हो। तो ऑल्दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अच्छे खासे थे इस बार भी, पिछले साल भी, एंड उससे पहले साल भी, इज इट। आगे अगर हम बात करें एप्लीकेशन बेस्ड, यानी जब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन होती है एप्लीकेशन में, मैं सीक्वेंस वाले रख देता हूं, जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस इस बार काफी देखे गए, एंड अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस देखे गए सीक्वेंस वाइज, मैथ्स और कॉलम वाइज, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी थे इस बार के पेपर में, एंड इससे पहले भी, पिछले साल तो बहुत ज्यादा थे। असर्शन रीजन इस साल भी देखने के लिए मिला, लास्ट ईयर भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस थे, बट इस साल बिल्कुल भी असर्शन रीजन देखने के लिए मिल रहा था, एक आध क्वेश्चन था अभी तो उसको आप असर्शन रीजन में कंसिडर करते, इस साल बिल्कुल भी नहीं। बट पहले हमें एक एक दो दो वो भी स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन थे, यानी कि असम्प्शन नंद नहीं बोलूंगा मैं उसको, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू वाले क्वेश्चंस बोलूंगा, तो यहाँ पर वो देखने मिला था। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम थे इस बार, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि सॉल्व करना पड़ रहा है इस पेपर के अंदर, एक ही क्वेश्चन हमारा दिख रहा था जिसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना है, नेशनल इनकम के क्वेश्चन नहीं दिखे, नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, मतलब ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन नहीं आया, एंड द थिंग इज मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आए, गवर्नमेंट बजट से कुछ भी कैलकुलेट नहीं करने के लिए बोला गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ भी नहीं निकालने के लिए बोला गया, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल पे इस बार थोड़ा सा रिलीफ दिया गया और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर रखा गया, जो कि पहले जिनके हाई वेटेज होता था, यानी काफी ज्यादा क्वेश्चंस में हमें एनएनपी एटएफसी, हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, तो हमें कुछ निकालना पड़ रहा है, तो पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा थे, बट इस साल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिल रहे पेपर के अंदर। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, कि इसके पीछे क्या रीजन था, जिसमें एनटीए में जब पेपर लाइक क्रिएट किया तो उन्होंने क्यों न्यूमेरिकल क्वेश्चन को नहीं डाला इकोनॉमिक्स में, आई डोंट नो, बिकॉज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इजी होते हैं, अच्छे होते हैं, जिसमें हमें श्योरिटी के साथ हम अपना आंसर मार्क कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि जहां पे डेटा वगैरह होता है, जहां पे सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं एंड वो डेटा को अरेंज करना होता है, तो वो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर इस साल भी हमें 2 से 3 क्वेश्चंस, यानी अराउंड 3 या 4 क्वेश्चंस हम बोलते हैं, तो अराउंड इसका पैटर्न सेम ही रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को मैं पैराग्राफ मानूंगा, ऑल्दो केस स्टडीज यहाँ पर ज्यादा नहीं होती, पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, तो 2 से 3 पैराग्राफ हमें हमेशा मिलते हैं, तो अराउंड यहाँ पर भी 10 से 12 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे थे, ऑल्दो ये लगभग लगभग सिमिलर होता है, इज इट। तो यहाँ पे इसमें भी बहुत बड़ा चेंज देखने मिला, असम्प्शन इस बार बिल्कुल नहीं था, एंड पहले कुछ क्वेश्चन असम्प्शन देखे गए थे, मैच द कॉलम इस बार अच्छे खासे थे, मतलब उन्होंने न्यूमेरिकल्स को हटा करके मैच द कॉलम पे ही ज्यादा वेटेज दिया, पहले 2 और 2 यानी 2 से 3 मिलते थे आपको मैच द कॉलम वगैरह, बट इस बार 5 से 6 मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल का पेपर बनाया गया, एंड आई थिंक इसको हम इसीलिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल रहे हैं, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ज्यादा थे यहाँ पर। एज सच जो क्वेश्चंस से हम लोग फैमिलियर होते हैं, जो क्वेश्चंस के हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल थे, तो इससे 2025 के लिए बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि भैया आप एक सेट पैटर्न पे फॉलो नहीं कर सकते, एक सेट पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आपके क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट लेवल के भी क्रिएट किए जा सकते हैं इस साल के पेपर को ला करके एनटीए ने ये क्लियर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई एंड डिस्कस करते हैं और यहाँ पर टॉपिक वाइज, जिसका वेट आप लोग काफी टाइम से करो कि सर टॉपिक वाइज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भैया पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइकोनॉमिक्स, तो मैं बता दूं आपको कि डिलीटेड टॉपिक सही है, डिलीट टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पर देखने को मिले, बच्चा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड पिछले साल भी हमें ज्यादा मिलते थे एज कम्पेयर टू 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल डिलीट टॉपिक से बात नहीं कर रहा हूं, बट हाँ माइक्रो वाला पोर्शन जो ऐड हुआ है, इस बार टोटल लगभग लगभग 4 क्वेश्चन मिले हमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइकोनॉमिक्स एज वेल एज
कंज्यूमर इक्विपमेंट डिमांड से, बट बाकी की अगर हम बात करें तो बाकी कितने ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। अब आगे अगर हम बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, एक क्वेश्चन मिला इस बार सिर्फ स्टॉक एंड फ्लो वाला कॉन्सेप्ट का, एंड पहले भी दो दो के क्वेश्चन अराउंड मिल जाते थे। नेशनल इनकम जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि चार चार यानी टोटल सात आठ क्वेश्चन है, बट पूरे के पूरे थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन नहीं देखने मिल रहे। ओके, सो नेशनल इनकम के क्वेश्चन पहले ज्यादा देखे जाते थे, बट इस साल नेशनल इनकम के क्वेश्चन थोड़े से कम है। पहले पिछले साल आठ क्वेश्चन थे सॉल्व करने वाले, इस बार बहुत कम क्वेश्चंस है। मनी एंड बैंकिंग की अगर हम बात करें बच्चे, तो मनी एंड बैंकिंग की अगर हम बात करें तो ऑल दो लगभग लगभग सेम पैटर्न चल रहा है। टूल्स से इस बार काफी क्वेश्चंस पूछे गए, टूल्स वाले, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कुछ जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन आपको मनी एंड बैंकिंग से मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सो ऑल दो ये क्वेश्चन अच्छे थे इस बार, यहाँ पे इस बार इसका लेवल अच्छा खासा था, यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ ही मैं आगे आपको लेके जाऊंगा। इस चैप्टर से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी डाले गए थे एंड अच्छे खासे थे। तो ऑल्दो इनका भी वेटेज पिछले कंपैरिजन में कम था, इस साल बढ़ा दिया गया क्योंकि नेशनल इनकम का कम किया गया, तो भाई ऑब्वियस था कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का वेटेज बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे वो देखने को मिला। ओके, गवर्नमेंट बजट ऑलमोस्ट कम ही क्वेश्चन थे, हर हमेशा कम होता है तीन क्वेश्चन, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन बढ़ते हुए दिखे हमें यहाँ पर चार चार क्वेश्चन पूछे गए थे एंड बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो अच्छे क्वेश्चन थे, मजा आया देख करके। ओके, मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन थे। इंडियन टॉपिक्स में बच्चा आपको बता दूंगा करंट चैलेंजेस इस बार भी ज्यादा है, पहले भी ज्यादा था, इस बार भी ज्यादा, एंड अराउंड 20 क्वेश्चंस, 20 प्लस क्वेश्चंस आप लोग को मैं बोलूंगा, 20 22 क्वेश्चंस टोटल इंडियन इकोनॉमिक्स से मिले हैं, जिसमें से बच्चा हम लोग बोलेंगे टोटल यहाँ पर 10 एंड 6 एंड उसके बाद 6 अराउंड 22 क्वेश्चन का जो वेटेज बन रहा है, ये हमारे तीन यूनिट से मैंने निकाल के आपके सामने रख दिया कि भैया तीन यूनिट से आपको अराउंड 22 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एंड तीन यूनिट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो मैं उसका कंपाइलेशन आप लोग को आगे बिल्कुल कंसीडर करूंगा। जब मैं डिटेल सॉल्यूशन करवाऊंगा वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से आपको करना था अटेम्प्ट, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। गॉट इट? तो ये आपका हो गया टॉपिक वाइज डिस्कशन कि भैया पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड वो क्वेश्चंस आपको कैसे अटेम्प्ट करने थे। गॉट इट? तो चलिए यहां तक भी चीजें क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं बच्चा ओवरऑल कंपैरिजन विद दी लास्ट ईयर पेपर। अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करें तो मैं आपको बस ये बताऊंगा टॉपिक हूज लेवल रिमेन सेम, जहां पे लेवल की बात की जाए, मतलब जहां पे ऑल दो तीनों ही ईयर के कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो इन टॉपिक को टफ नहीं किया जा रहा। मनी इन बैंकिंग इजी चल रहा है, डायरेक्ट चैप्टर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी भाई डायरेक्टली एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन से डिवैल्यूएशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इशू नहीं था। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट स्किल्स वाले क्वेश्चन, आरटीपी क्वेश्चन आया था, दो आरटीपी क्वेश्चन ये आया था भाई कि 16 मतलब जो आरटी था वो किस एज ग्रुप के लिए था, तो आपने लिख दिया वहां पर 6 to 14, तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था और हर साल एक जैसे ही पैटर्न दिखने मिल रहा है, इसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ओके, हाँ थोड़ा बहुत अगर लेवल बढ़ाता वो दिख रहा है तो भैया नेशनल इनकम का लेवल बढ़ रहा है क्योंकि इनको अलग अलग पैटर्न में डाल दिया गया, मतलब न्यूमेरिकल हटा दो और सीक्वेंस वाइज डाल दो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है इस साल सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस को अरेंज करने में, क्योंकि काफी क्वेश्चंस थे सीक्वेंस वाले, मतलब असम्प्शन रीजन छोड़ करके आप सब कुछ सीक्वेंस पर डाल रहे हो, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए यहाँ पर अटेम्प्ट करना। तो डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ये सारे टॉपिक्स जो दिख रहे हैं आपको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, गवर्नमेंट बजट, पॉवर्टी से अच्छे खासे रिलेटेड टॉपिक्स था, इससे भी क्वेश्चंस अच्छे खासे दिए गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनका लेवल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बढ़ा दिया गया, इस साल ज्यादा मतलब देखने को मिला है। तो चलिए यहां तक तो सारी चीजें क्लियर है भाई। मैं आपको बस बताना चाहूंगा लर्निंग फॉर नेक्स्ट ईयर क्या है। नेक्स्ट ईयर बच्चा ये है कि आपको इनिशियल यानी स्टार्टिंग जो है वो आपको जल्दी करनी पड़ेगी, अर्ली बिगनिंग है ना, अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो डिलीटेड टॉपिक्स है, बहुत सारे बच्चे अगर सोच के जाते हैं कि डिलीटेड टॉपिक्स को हम छोड़ देंगे एंड डिलीट टॉपिक्स भी 10 क्वेश्चन छोड़ने का हमारे पास ऑप्शन है, तो हम डिलीट टॉपिक्स को ही छोड़ेंगे और डिलीट टॉपिक्स लास्ट में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हम बोर्ड्स के तुरंत बाद हमें सीटी देना होता है, तो हम डिलीट टॉपिक्स को छोड़ के जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे कहना होगा आप लोगों की इस साल भी जितना क्वेश्चन उन्होंने डिलीट टॉपिक से पूछा है बहुत क्लियर कर दिया कि भाई डिलीट टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस है, एंड इसके बिना अगर आप जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एंड इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई क्वेश्चन आप पूरी तरह से बोर्ड पर डिपेंडेंट ना रहे, बोर्ड के मतलब बोर्ड में आप बहुत सारे बच्चे ये बोल देते हैं, बहुत सारे सीनियर्स बोल दिए जाते हैं कि भाई बोर्ड के कॉन्सेप्ट पढ़ लो सीयूटी क्रैक हो जाएगा, बट क्लियर कर दिया एनटीए ने कि बिल्कुल मूड में नहीं है कि वो बोर्ड्स की पढ़ाई से सीयूटी करवा दे आपको। तो आपको प्रैक्टिस हर क्वेश्चंस की हर चैप्टर में से आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू की करनी पड़ेगी, और एमसीक्यू भी एक बेसिक पैटर्न वाले एमसीक्यू नहीं, आपको डिफरेंट डिफरेंट जो एनटीए डिमांड कर रहा है, जो एनटीए की डिमांड है, जो एनटीए की रिक्वायरमेंट है, उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके आपको पहुंचना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस का भी पैटर्न डिसाइड किया एनटीए ने एंड उसी पैटर्न को फॉलो करके हमें अपनी प्रिपरेशन भी आगे बढ़ानी पड़ेगी, ये सारी चीजें। एंड दूसरी चीज है बच्चा आप लोग को नोट्स अपने अभी से ही रेडी करें, जब आप पढ़ोगे कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट करोगे, मैं मेरा ये सजेशन होगा उसका वन पेजर आप तुरंत बना लो,
उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको एक बार में नहीं समझ पाई, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट चीजें आप उसमें मार्क करके रख लो, वह हर चैप्टर का वन पेजर आपके पास होना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे आती हुई चीजें बहुत सारी गलत हो जाती है एंड उसके पीछे रीजन यही होता है प्रॉपर रिविजन ना हो पाना। एंड प्रॉपर रिविजन कब होगा, जब आप स्टार्टिंग से ही आदत डालोगे कि यार मुझे तो नोट्स बना के ही चलना है एंड मेरे नोट्स लास्ट में मुझे पूरे एग्जाम में सबसे ज्यादा मुझे बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे बिकॉज मैंने साल भर पढ़ा है ऑब्वियसली, बट एग्जाम में अगर आपको आंसर मार्क करना है और आप चाहते हो कि आप कंफ्यूज ना हो, आज इस पेपर के अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि यार ऑप्शन ए मार्क करूं या बी मार्क करूं, दो ऑप्शन लग रहा है, तो भाई ये कंफ्यूजन हमेशा आता है जब भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं, इस कंफ्यूजन से अगर आपको बचना है तो आपके पास नोट्स होने चाहिए प्रॉपर जो आपने स्टार्टिंग से रेडी किए होंगे, बिकॉज लास्ट में जाके नोट्स रेडी नहीं कर पाते हम लोग। तो ये कुछ बेसिक चीजें होंगी जो मैं आपको बोलूंगा अभी से एंड प्रॉपर बिना मॉक टेस्ट के आप ना पहुंचना एग्जाम में। मॉक टेस्ट सबसे बड़ा एक होता है ना, हम लोग बोलेंगे कि भाई हमारे लिए सबसे बड़ा इक्विपमेंट होगा, सबसे बड़ा हमारा एक हथियार होगा जिसको यूज करके हम लोग अपने एग्जामिनेशन में 140 आउट ऑफ 40 लेके आ पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं टाइम का भी बहुत इशू होता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो मॉक टेस्ट को लगाए बिना आपको एग्जाम नहीं देना है नेक्स्ट ईयर अगर आप सीयूटी 2025 के एस्पिरेंट है तो। ओके, सो चलिए भाई यहां तक तो हमने सारी चीज डिस्कस कर लिया एंड अब मैं आपको बता दूं कि 2024 के पेपर का मैं पूरा डिटेल एनालिसिस लेकर के आ रहा हूं आज, यानी कि अभी ही थोड़ी देर बाद, यानी आज हम लोग अगर बात करें, आप लोग को सबको पता है कि भाई 16 ऑफ मई को हमारा एग्जाम हुआ है एंड 16 ऑफ मई को तुरंत मैं इवनिंग में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, इवनिंग बच्चा मैं शेयर करने वाला हूँ अराउंड 3 to 4 PM के अराउंड पूरा डिटेल सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि उसका आंसर ए आया तो क्यों आया, सब कुछ बहुत क्लियर मैनर में। ओके बच्चा, सो आई होप आप लोग ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आप लोग की प्रिपरेशन, आप लोग अगर 2025 के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हो तो आप लोग की प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हो गई होगी, अगर नहीं हुई है तो आई थिंक मेरे ख्याल से इस सेशन के बाद आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी जिसके थ्रू आप कहीं ना कहीं अब अपनी प्रिपरेशन में और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑप्शंस यानी ऑप्शंस को चूज करके इंप्लीमेंट करोगे एंड अभी से ही आप बिल्कुल क्लियर होगे, यानी बिकॉज क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, सब ये तीनों चीजें जो है ना बच्चा, कॉम्बिनेशन तीनों चीजों का है, वो बेस्ट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो 4 C मैं आप लोग को बता देता हूँ कौन से 4 C, कि भैया एक होता है क्लैरिटी, देन होता है कंसिस्टेंसी, देन होता है कॉन्फिडेंस एंड होता है फिर क्रैक। ये 4 C पे जिसने आप वर्क कर लिया, इन 4 C की इंपॉर्टेंस आपके एग्जामिनेशन को, लास्ट ऑप्शन क्या बताया मैंने, क्रैक, तो बस काम हो जाएगा। इज इट सो ऑल द बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ अभी इस सेशन को यहाँ पर हम फाइनली कंक्लूड करते हैं, बट मिलते हैं बहुत जल्द डिटेल सॉल्यूशंस के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।